हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रिडिक्शन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के मैच के। बहुत बड़ा मैच है गाइस। सारा स्टैट्स मैं आपको इस मैच में बताऊंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, ग्राउंड स्टैट्स बताऊंगा, बेस्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक्स बताऊंगा। गाइस क्लीन स्वीप करना है क्योंकि मैच गाइस इंडिया का मैच है तो क्लीन स्वीप करना ही है। तो वीडियो गाइस एंड तक देखना, पूरा देखना और लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते गाइस। मैच है गाइस इंडिया वुमेन पाकिस्तान वुमेन का, आज है 6:30 बजे, न्यूलैंड कैपटाउन में होने वाला गाइस, जहाँ पे पहला मैच श्रीलंका का हुआ था। पिच रिपोर्ट गाइज, पिच विल बी हेल्पफुल टू बॉलर्स एंड पिच इज स्पिनर फ्रेंडली। स्पिनर्स को गाइज मदद मिलती है बहुत, शार्प टर्न फॉर स्पिनर्स, टर्न बहुत होगा। लो स्पिनिंग पिच है गाइज, रन 120 to 140 एवरेज यहाँ का। क्वालिटी स्पिनर्स विल भी इंपॉर्टेंट, दोनों टीम से गाइज क्वालिटी स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब आप क्योंकि गाइज पहले इनिंग में पिच एवरेज रहती है लेकिन दूसरे में गाइज बहुत स्लो जाती है, तो पहले इनिंग में बैटिंग आसान है, दूसरे इनिंग बहुत मुश्किल है बैटिंग गाइज, और स्पिनर्स को बहुत विकेट मिलती है। अब आप देखते हैं पिच सेट्स गाइज। पहले इनिंग में श्रीलंका वुमेन ने बनाया था पहले मैच 129/4, और साउथ अफ्रीका की टीम गाइज हार गई 3 रनों से। सोचिए चेज नहीं कर पाई श्रीलंका के खिलाफ, समझ सकते हैं सेकेंड इनिंग में पिच कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पेसर को गाइज 3 विकेट, वह स्पिनर को 7 विकेट। गाइज जो 3 विकेट है वो साउथ अफ्रीका के पेसर ने लिया था पहले इनिंग में, और एक रन आउट था, और दूसरे इनिंग में 9 में से 7 विकेट श्रीलंका के स्पिनर ने निकाला। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स इस मैच में। 4 प्लेयर रन आउट हुए इस मैच में। पॉइंट्स गाइज याद रखना, जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है उससे ज़्यादा बैट्समैन लेना और उससे ज़्यादा स्पिनर लेना, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैटिंग आसान नहीं है तो बैट्समैन रन नहीं बना पाएगा आसानी से, और वही टर्न बहुत मिलेगा सेकेंड इनिंग में। तो जो दो टीम पहले बैटिंग कर रही है उनके बॉलर स्पिनर सारे उठ गए। अब बात कर लेते पहले इंडिया वुमेन की। इस मैच में चांस है कि गाइस ओपनिंग करें मेघना, क्योंकि स्मृति मंदाना पहले प्रैक्टिस मैच में चोटिल हो गई थी तो ये मैच नहीं खेलने वाली। वो रिसेंट फॉर्म गाइस इनका देख लेते हैं तो एवरेज है, T20 क्रिकेट के भी एवरेज बैट्समैन है, हेड टू हेड में भी एवरेज है। अगर ओपनिंग की तो ये लेना वरना मत लेना, और चांस बहुत कम ओपनिंग करेगी क्योंकि रॉड्रिगेज ओपनिंग कर सकती है, हर्लिन डी ओपनिंग कर सकती है। अगले गाइस शेफाली वर्मा बेस्ट पिक है, इनको तो जरूर लेना क्योंकि हर मैच में आपको देख सकते हो एक विकेट 2 विकेट लेके देगी आपको, क्योंकि 2 से 3 ओवर डाल देती है बॉलिंग में। हेड टू हेड में एक मैच में 16 रन बनाया, T20 करके अच्छी प्लेयर है ये, 1000 रन और 6 विकेट, जरूर ट्रैक करना। प्रैक्टिस मैच में भी 1 विकेट लिया था इन्होंने, तो ओपनिंग करेगी जरूर ट्रैक करना अपनी टीम में। अगली प्लेयर है गाइस जमीमा रॉड्रिगेज, चांस है कि ओपनिंग कर ले और नहीं भी करी तो थर्ड पे खेलती है। रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, 41/42 नॉट आउट 4, 1575 रन का एक्सपीरियंस प्लेयर है 75 मैच में। हेड टू हेड में 3 मैच में भले 20 रन बनाया है पर आप ट्राई जरूर करना ही नहीं, अच्छी प्लेयर है बहुत। हरमनप्रीत कौर गाइस बेस्ट पिक, कैप्टन इंडिया की, 2 मैच में बैटिंग नहीं की जिसमें कि उसमें 32 नॉट आउट की और 2900 रन है, देख सकते हैं कितने, 32 विकेट भी और 146 मैच, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है ये। हेड टू हेड में गाइस 12 मैच में 144 रन, 30 का एवरेज अच्छा है, 3 विकेट भी ले चुकी है, ट्राई करना जरूर क्योंकि पावर हिटर गाइस, 10वें ओवर में भी आएगी तो वहाँ से भी ये 40-50 रन आराम से बना सकती है। अगली प्लेयर गए रिचा घोष, अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप जिता के है इंडिया को, रिसेंट फॉर्म गाइस बहुत अच्छा है, 91 नॉट आउट पिछले मैच में आया प्रैक्टिस मैच में। हेड टू हेड में 1 मैच में 26, T20 के नीचे आती है बहुत, इसलिए उतना रन है नहीं 5वें 6वें पर अगर गाइस जल्दी बैटिंग आ गई तो बहुत ज़्यादा चांस है 50+ स्कोर करेगी। देविका बैद गाइस बॉलिंग हर मैच में मिलती है इनको 2 से 3 ओवर, क्योंकि स्पिनर फ्रेंडली विकेट है न्यूलैंड्स की तो जरूर 2 से 3 ओवर यहाँ भी मिलेगी। T20 क्रिकेट में 11 मैच में 22 के एवरेज से 6 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड में नहीं खेला है, वेंडू में नहीं खेला है, पर अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो जरूर ट्राई करना क्योंकि बैटिंग से ही पॉइंट दे सकती है। फिर दीप्ति शर्मा नेक्स्ट प्लेयर है गाइस, 100% इसकी ज़रूरत ही नहीं गाइस कुछ बताने का, सब जानते हैं इन्हें। 87 मैच में 914 और 96 विकेट्स गाइस, 4 मैच में 4 विकेट्स वेन्यू पे, ड्रॉप करने की कोशिश की गाइस तो आपका लॉस लग जाता है, ये बात पहले बदलता हूँ। अगली प्लेयर गाइस पूजा वस्त्रीकर, राइट आप मीडियम है, रिसेंट फॉर्म एवरेज है, 2 विकेट, चांस बहुत कम है कि आप पूरे 4 ओवर डालें क्योंकि स्पिनर ज़्यादा ओवर डालने वाले हैं। 1 मैच में 2 विकेट ले चुकी है हेड टू हेड में, T20 में भी गाइस अच्छी है, 43 मैच में 21 ले चुकी है, ट्राई कर सकते हो 2 से 3 ओवर ही डालें, उससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि वो भी डाल ले। अगली प्लेयर शिखा पांडे गाइस, रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब है, T20 क्रिकेट की अच्छी प्लेयर है, हेड टू हेड में 5 मैच में 3 विकेट, वेन्यू में 1 मैच में 3 विकेट पर रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, ड्रॉप कर सकते हो उनको। रेणुका सिंह ठाकुर गाइस ये अच्छी है, भले रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन इसको जरूर टीम में लेना क्योंकि गाइस कभी भी ले जाती है और जब भी ले जाएगी 2 से 3 विकेट एक ही मैच में ले जाती है, देख सकते हो 27 मैच में 24 विकेट ले चुकी है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, नए बॉल से भी डालेगी डेथ में भी डालेगी, तो ट्राई कर सकते हो अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। अगली प्लेयर गए राजेश्वरी गायकवाड़,
रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, पिछले 6 मैचों में 4 विकेट लिया, हर मैच में 4 ओवर डालेगी और 1 से 2 विकेट देगी। T20 में गए 51 मैच में 58 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 और वेन्यू में 1 मैच में 3 विकेट गए। ड्रॉप करने की गलती मत करना, ट्रंप भी होगी बेहतरीन प्लेयर है राजेश्वरी का रिकॉर्ड। गए अब बेंच की प्लेयर की बात कर लेते हैं गाइज। पहली प्लेयर है गाइज यष्टिका भाटिया, कीपिंग सेक्शन से गए आपको पॉइंट देगी अगर खेली तो, और रन भी गिराएगी गाइज। रिसेंट फॉर्म उतना आपको नहीं अच्छा दिखेगा, लेकिन भाई ट्राई सीरीज में बहुत रन बनाया इन्होंने अभी, ये तो प्रैक्टिस मैच के इसलिए नहीं है। गाइज हेड टू हेड में 1 मैच खेला बैटिंग नहीं की, T20 गाइज अच्छी प्लेयर है गाइज, 125 रन इन्होंने बनाया जिसमें से मेरे को लगता है गाइज 80-90 रन अभी ट्राई सीरीज में ही बना के आ रही है, तो खेलेगी तो 100% अपनी टीम में ले रहा, कीपिंग से ही पॉइंट देगी। स्मृति मंदाना गाइज नहीं खेल रही है, हरलिन दौर गाइज अगर खेलेगी तो अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि पहले 2 मैच खराब थे फिर लेकिन अच्छा बैटिंग किया इन्होंने। T20 क्रिकेट मैच 21 मैच में 245 रन, हेड टू हेड में नहीं खेली, वेन्यू पे नहीं खेली, इंडिया पहली बैटिंग करे और अगर ये थर्ड या फोर्थ नंबर पे होता भी ट्राई करना, अगर 5-6 पे तब ट्राई मत करना। नेक्स्ट है स्नेहा राणा गाइज, ऑफ ब्रेक बॉलर है बताया ना, यहाँ पे स्पिनर्स को जरूर ट्राई करना, विकेट लेगा क्योंकि आप पहले 1 विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट 2 विकेट रिसेंट फॉर्म अच्छा है। T20 में गाइज 24 मैच में 24 विकेट, वेन्यू में 1 मैच में 2 विकेट, खेलेगी तो गाइज 3 या 4 ओवर पक्का डालेगी क्योंकि पाकिस्तान में लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, तो जरूर ट्राई करना इन्हें। नेक्स्ट है राधा यादव, लेग स्पिनर है, इन्हें भी ट्राई करना क्योंकि राइट हैंडर भी बहुत है पाकिस्तान में, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। T20 में गए 63 मैच में 65 विकेट्स और हेड टू हेड में गए 3 मैच में 2 विकेट, बेस्ट पिक होने वाले की राधा यादव अगर खेलती है तो। अंजलि शर्मा नहीं गए उतनी अच्छी पिक नहीं होगी, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा नहीं है और T20 कैर में भी काफ़ी अच्छा नहीं है और चांस बहुत कम खेलेगी। और मेघना सिंह भी गए रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब और चांस बहुत कम खेलेगी। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग और डेथ बॉलर्स की। ओपनिंग गए रेणुका सिंह करेगी और दीप्ति शर्मा के साथ, चांस के ये दोनों ज़्यादा करे, और डेथ में भी रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ही 100% करने वाली है। पूजा वसेकर भी कर सकती है 1-2 ओवर डेथ में और 1 ओवर ड्यू बॉल से, बस ये 3 मेन बॉलर इन्हें ट्राई कर सकते हो अगर इंडिया पहले बॉलिंग करी है तो। गाइस अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वुमेन की टीम के। ओपनिंग करते गए जवेरिया खान, राइट हैंड बैट्समैन है, हेड टू हेड में गए 10 मैच में 85 रन है। T20 करे गए एक्सपीरियंस प्लेयर है, 110 मैच खेल चुकी, 2000 बना चुकी है गाइस, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है इनका। पाकिस्तान बैटिंग करेगी तो ट्राई करना क्योंकि ऑफ स्पिनर क्या पता बॉलिंग भी कर दे। नेक्स्ट गाइस मुनीवाई वाली, विकेट कीपिंग से आती है गाइस, 27-33 अच्छी प्लेयर है, 3 मैचों में 61 गाइस, 30 का एवरेज, हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस करती है इंडिया के खिलाफ। बाकी गाइस T20 करियर में भी ठीक ठाक एवरेज रिकॉर्ड है करियर में तो, पर अगर गाइस पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगी तभी ट्राई करना क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच बहुत स्लो होगी तो बहुत कम चांस है रन बना पाए, क्योंकि स्नेहा राणा खेलती है तो आउट करेगी, दीप्ति है वो भी आउट कर सकती है क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन मुनिया वाली। नेक्स्ट है गाइस साइदरा अमीन, रिसेंट फॉर्म एवरेज है इनका, T20 करियर का भी 16 का एवरेज, हेड टू हेड में ड्रॉप कर सकते हो आराम से क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग नहीं करेगी। बीसवा मरूफ गाइस कैप्टन है और बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की, 44-29-24 रिसेंट फॉर्म अच्छा, 130 मैच का एक्सपीरियंस है, 2500 रन है, 36 विकेट भी है गाइज, और गाइज लेग ब्रेक बॉलर है तो हो सकता है बॉलिंग कर दे 1 या 2 ओवर, विकेट भी दे सकती है। हेड टू हेड में 13 मैच में 180 रन बना चुकी है और थर्ड या फोर्थ पे बैटिंग करती है तो बैटिंग से ही पॉइंट देगी, बॉलिंग से भी शायद दे दे, तो गाइज कैप्टन भी है और परसेंटेज बहुत हाई है, ट्राई करना है अपनी टीम में। आलिया रियाज राइट आर्म मीडियम है, 68 मैच खेल चुकी है, 743 रन एवरेज इनका एवरेज ही है और रिसेंट फॉर्म भी एवरेज ही है क्योंकि विकेट 1 ही मैच में 2 लिया है, बाकी 4 मैच में विकेट मिले ही नहीं है। नेक्स्ट है गाइज नीरा दर, ऑफ ब्रेक बॉलर है गाइज, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन गाइज, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट T20 करियर में गाइज 126 मैच खेल चुकी है, 121 विकेट गाइज, हेड टू हेड में गाइज 10 मैच में भी 10 विकेट, एवरेज भी अच्छा 126 का, 100% गाइज 1 या 2 विकेट इंडिया के खिलाफ भी ये लेके जाएगी क्योंकि हेड टू हेड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो अब जरूर अपनी टीम में ट्राई करना इन्हें, स्पिनर भी है। आयशा नसीम का राइट टाइम मीडियम फास्ट, रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, T20 में भी इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं और हेड टू हेड में भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और मीडियम फास्ट है तो ड्रॉप कर सकते हो। फतिमा शाना से एक्सपीरियंस प्लेयर है, 3 विकेट 1 विकेट विकेट लेती है, किसी मैच में नहीं लेती है, किसी मैच में फिर 2 या 3 ले जाती है। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट लिया इन्होंने, T20 करियर में 20 मैच में 13 विकेट, पहले अगर पाकिस्तान बॉलिंग करती तो 4 ओवर 100% डालेगी अपने। आमिन अनवर ये भी मीडियम फास्ट है, रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है, भले T20 करियर में अच्छा रिकॉर्ड इनका, पहले पाकिस्तान बॉलिंग करे तभी ट्राई करना वरना मत। नासिर संधू गाइज लेग ऑफ स्पिनर है गाइज, इंडिया में गाइज बस राइट हैंडर ही भरे पड़े हैं क्योंकि मंदाना भी नहीं है, खेलती है तो गाइज हमें 100% विकेट लेगी, आप देख सकते 2 मैच में 4 विकेट इंडिया के खिलाफ, तो 100% ट्राई करना नासिर संधू को अगर खेलती है तो। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं हो लेकिन T20 करियर में अच्छा रिकॉर्ड है और इंडिया के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है, 100% ट्राई करना अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी जब भी।
शादिया के बाद ये भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ही है गाइस, हेड टू हेड में इंडिया के खिलाफ एक मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, एक एक विकेट ले रही है T20 के लिए, लेकिन अच्छी बैट्समैन है गाइस। नाशा संधू और शादिया इकबाल दोनों को ट्राई कर सकते हो, अगर खेली तो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दोनों विकेट लेके दे सकते हैं इंडिया के खिलाफ। बेंच के प्लेयर की बात करें तो शरफ समास मीडियम फास्ट है, एवरेज है, बैटिंग नीचे करती है थोड़ा, 4 या 5 नंबर पर, चांस बहुत कम है खेलेगी। और इमना साहिल गाइस इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर खेलती है तो लेना, क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करेगी। इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 1 विकेट लिया और T20 करियर में भी 42 मैच में 430 रन और 13 विकेट है। रिसेंट फॉर्म एवरेज है इनका, एक ही मैच में विकेट मिला है और बॉलिंग भी एक ही मैच में किया है। खेलती है तो ट्राई करना, वरना उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। कैनेथ इम्तराज मीडियम फास्ट है गाइस, रिसेंट फॉर्म एवरेज है इनका, T20 करियर भी एवरेज है, ड्रॉप कर सकती है, बहुत कम चांस से खेलेगी ये। ट्यूबा हसन गाइस लेग ब्रेक है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है और T20 करियर में 14 विकेट ले चुकी है, चांस कम है इनका भी खेले, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को ही ट्राई करेगी पाकिस्तान ज़्यादा। गुलाब फातिमा गाइस लेग ब्रेक है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है गाइस, 1 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 3 विकेट, T20 करियर में गाइस एवरेज रिकॉर्ड, हेड टू हेड इंडिया क्लब ने खेला है तो चांस बहुत कम मैच खेलेगी। शिद्रा नवाज गाइस ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, ये 5 मैच में 7 विकेट, T20 की इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 55 मैच खेल चुकी है, भले एवरेज गाइस क्या बोलूँ, रिसेंट फॉर्म भी उससे खराब, बहुत कम चांस खेलेगी। अब ओपनिंग और डेथ की बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग बॉलिंग करेगी फतिमा शाना से, एक मैंने आपको बोला नीरा दल कर सकती है, शादिया इकबाल एमन अनवर बहुत कम चांस है, और डेथ में भी मैंने बोला फतिमा शाना से एक बॉलिंग करेगी, नीरा दल करेगी और नासिरा संधू गाइस लेफ्ट ऑफ ब्रेक स्पिनर है, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करती है, इंडिया में सब राइट हैंडर है, विकेट ले जाएगी, ट्राई करना गाइस। पाकिस्तान के बैट्समैन की हमने बात कर ली, मैं बात करेंगे हमारे टॉपिक्स के बारे में। गैस हमारी पहली टॉपिक होने वाली दीप्ति शर्मा, ऑफ कोर्स 4 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं हेड टू हेड में, T20 में गैस 87 मैच में 96 विकेट, रिसेंट फॉर्म गैस अच्छा है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, और गैस ट्रायल सीरीज में तो हर मैच में 2 से 3 विकेट लेके गई थी। तो दीप्ति शर्मा को आप कैप्टन करना, वाइस कैप्टन नहीं, कैप्टन ही ट्राई करना। राजेश्वरी गायकवाड़ भी अच्छी पिक होने वाली गैस, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप एक 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 विकेट हर मैच में निकाल रही है। बाकी T20 करियर में भी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, इंडिया पहले बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे जब भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 4 ओवर पक्का डालने वाली है। नेक्स्ट है गाइस नीरा दल, पाकिस्तान की मैंने आपको बोला ऑफ ब्रेक बॉलर है, हेड टू हेड में 10 मैच में 10 विकेट है, T20 करियर में 126 मैच में 121 विकेट, और रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है गाइस, देख सकते हैं आराम से वाइस कैप्टन की पिक आपकी अच्छी होने वाली है। अगर दीप्ति को अपने कैप्टन बनाया तो वाइस कैप्टन आराम से नीरा दल को बना सकते हो, और अगर आपने कैप्टन भी चाहे तो आप नीरा दल को बना सकते हो और वाइस कैप्टन भी दीप्ति को। तो ये 3 प्लेयर है गाइस हमारे आज का टॉपिक, और मैं आपको एक डिफरेंशियल पिक बना देता हूँ गाइस, नासिरा संधू गाइस पाकिस्तान के, मैंने 2 बार बोल चुका, 3री बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल पिक बन सकती है, क्योंकि इंडिया में सारे राइट हैंड बैट्समैन है, और आप नासिरा संधू को आप ट्राई कर सकते हो उनको। तो गाइस अभी के लिए मेरी टीम ये है, कीपिंग सेक्शन में मैंने लिया ऋचा घोष को, बैटिंग से हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा को, और ऑलराउंडर सेक्शन में गाइस मैंने 4 इंपॉर्टेंट स्पिनर्स को लिया गाइस, कैप्टन दीप्ति है, वाइस कैप्टन नीरज है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, अगर खेलती है उसमें सोहेल ट्रंपी को भी, और स्नेहा रहा भी ट्रंपी को भी अगर खेलती है तो। बाकी बॉलर से मैंने राजेश्वरी गायकवाड़ को लिया, ऐसा कि बोला लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ही है, नासिरा संधू भी ट्रंपी की है, राधा यादव भी खेलती है ट्रंपी को की, और रेणुका ठाकुर पहले बॉलिंग कर रही है इंडिया, तभी लेना रेणुका सिंह ठाकुर को, अगर पहले नहीं करी तो मत लेना। आप गाइस मैं बता दूं आप चेंज क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जमिका रॉड्रिगेज को ले सकते हो बैटिंग में, बिस्मा मारूफ को ले सकते हो बैटिंग में, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो बिस्मा मारूफ को ट्राई कर सकते हो। बाकी गाइस ऑलराउंडर सेक्शन से 4 इंपॉर्टेंट है, अगर खेलते हैं तो लेना। बॉलर सेक्शन से गाइस राजेश्वरी गायकवाड़ इंपॉर्टेंट है, नासिरा संधू इंपॉर्टेंट है, और राधा यादव इंपॉर्टेंट है गाइस। कीपिंग सेक्शन से गाइस बेस्ट पिक होने वाली आपकी ऋचा घोष, बाकी मुनीबा अली भी है, अगर मानिए इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तब आप पहले मुनीबा अली को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करेगी और ओपनिंग करेगी, लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो ऋचा घोष बेस्ट पिक होने वाली है गाइस। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है उस पर मिल जाएगी। और गाइस अगला मैच श्रीलंका किसका है, अगला मैच है बांग्लादेश वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन का, रात को गए 10:30 बजे इसी ग्राउंड पे इसी पिच पे होने वाला है गाइस, नोटिस करना है मैच कैसा जा रहा है उसी के साथ उसमें टीम में आना, बाकी उसको वीडियो भी आने वाली है थोड़ी देर में, तब तक के लिए गाइस बाय, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।